दोस्त तो 5 करोड़पति सपने, अगर जिस व्यक्ति को आ जाए तो वो भविष्य में करोड़पति जरूर बनता है। ये सपने कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। दोस्त तो सपनों की दुनिया रहस्यमय बातों से भरी पड़ी है। आपको बता दें, सपने हर कोई देखता है और सपनों के अलग अलग तथ्य होते हैं। सपनों की दुनिया एक ऐसी दुनिया होती है जहां पर हम जाने के बाद खुद को एक अलग सा महसूस करते हैं। सपने कई प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिसे हम देखने के बाद डर के जाग जाते हैं और उन्हें भूल नहीं पाते, और दूसरे सुहाने सपने जिसे देखने के बाद हमें खूबसूरत एहसास होता है। लेकिन इसी के साथ ही कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जो व्यक्ति की रातों रात किस्मत चमका जाते हैं। ये सपने किसी खास व्यक्ति को ही दिखाई देते हैं। ये भगवान का वो संकेत होता है जो ये आगाज करता है कि व्यक्ति भविष्य में जल्दी ही करोड़पति बनेगा। इसीलिए ध्यान से देखें, क्या आपको ये सपने आए? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शपन शास्त्र के अनुसार जिस इंसान के सपनों में अगर गंगा की धारा दिखाई देती है तो वो व्यक्ति भविष्य में धनवान अवश्य बनता है। ये संकेत किसी खास इंसान को ही दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि ये संकेत ईश्वर की कृपा होने का है। लेकिन याद रहे, इन सपनों को किसी को भी शेयर ना करें। दोस्तों, नंबर 2, जलपान करना। आज हम जिस सपने के बारे में बात करने वाले हैं, वो सपना करोड़ों में एक व्यक्ति को ही आता है। आपको बता दें, अगर आपके सपनों में ऊंचे पहाड़ों से कोई झरना बहते हुए दिखाई देता है और अगर आप अपने सपनों में उस झरने से खुद को पानी पीते हुए देख लेते हैं तो ये संकेत ईश्वर के दिए हुए वरदान की ओर इशारा करता है। शपन शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये सपना करोड़ों में एक व्यक्ति को ही आता है, जो साफ साफ ये बता देता है कि आपके सर पर ईश्वर का हाथ है। ये संकेत इस बात का सबूत है कि आप एक खूबसूरत जिंदगी जीने के योग्य हैं। ऐसे में ये सपना अमृत के समान है और आपकी उम्र भी बढ़ती है। लेकिन इन सपनों को शेयर ना करें। दोस्तों, नंबर 3, सपनों में ईश्वर। सपनों में ईश्वर का आना बहुत कुछ कहता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक पवित्र व्यक्ति के सपनों में ही ईश्वर दिखाई देता है। सपनों में ईश्वर का आना सकारात्मक ऊर्जा की ओर इशारा करता है। ये ऊर्जा व्यक्ति को एक सफल और भविष्य में धनवान अवश्य बनाती है। ये संकेत ईश्वर की ओर से इशारा करता है। लेकिन याद रहे, इन सपनों को शेयर ना करें। दोस्तों, नंबर 4, सपनों में हरियाली। सपन शास्त्र के अनुसार सपनों में जिस व्यक्ति के अगर हरियाली दिखाई देती है तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पर धनवान बन जाता है। ऐसे में खेत में हरे भरे पेड़ या कोई खिलता हुआ फूल व्यक्ति के सपनों में दिखाई देने पर उसके धनवान बनने की ओर इशारा करता है। दोस्तों, नंबर 5, सपनों में माता पिता। सपन शास्त्र के अनुसार सपनों द्वारा व्यक्ति को उसके माँ बाप अगर सपनों में जलपान करा देते हैं तो वो व्यक्ति धनवान अवश्य बनता है। ये संकेत माँ बाप की ओर से आशीर्वाद देने का है। सपनों में माँ बाप के आने पर व्यक्ति की विजय प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके सपनों में इन्हीं में से कोई भी एक सपना अगर दिखाई दिया है तो आप एक लकी व्यक्ति हैं। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर दें।